जिससे ना आप कभी उम्मीद कर सकते हैं ना मैं कभी उम्मीद कर सकती हूँ, वो फैक्ट चेक कर रहा है दोस्तों, वो फैक्ट चेक कर रहा है। जी हाँ, चौंकिए मत, लेकिन सत्ता का रुख जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है वो आप गोदी दरबारों में भी देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को किस तरीके से बीजेपी ने एक मुस्लिम मैनिफेस्टो तैयार करके दिखाना बताना शुरू कर दिया। अब योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब मुसलमानी राग अलाप रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों को हिंदुओं का हक छीन कर दे देंगे, हिंदुओं का जो हक है वो मुसलमानों को चला जाएगा। ऐसी बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कही गई। लेकिन तिहार रिटर्न चौधरी अपने शो में जेपी नड्डा के साथ एक इंटरव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो फैक्ट चेक कर रहे हैं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़कर बता रहे हैं कि ऐसा तो कुछ बात ही नहीं कहा गया है जो आपकी पार्टी और आपकी तरफ से कहा जा रहा है। जी हाँ, तिहाड़ी रिटर्न चौधरी ने जेपी नड्डा को अपने शो में फंसा दिया। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अपने शो के अंदर जेपी नड्डा को फंसा दिया ऐसे सवाल पूछकर, ताकि जेपी नड्डा ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊं जो धड़ल्ले से लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि तिहाड़ रिटर्न भी ऐसी कुछ बातें कर सकता है, इस तरीके की बातें जो है बयानबाजी कही जा रही है। देखिए, श्रीनिवास जो है वो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि क्या दिन आ गए हैं भाजपा और नड्डा जी के। सुधीर चौधरी भी बीजेपी का फैक्ट चेक कर रहा है, पूछ रहे हैं उनसे कि ऐसा तो कोई मैनिफेस्टो में है ही नहीं, अमूमन किसी दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो किसी दूसरी पार्टी के सामने नहीं रखा जाता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कहीं पर भी मुसलमान शब्द का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया ही नहीं। जेपी नड्डा चुप, वो कहें तो क्या कहें, कल ही मुसलमानों वाला बयान दे रहे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में बता दूं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनको बताइए कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है और वो क्या कहता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 48 पेज का अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपये दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1,00,000 रुपये देने, MSP को कानून बनाने और जातिगत जनगणना करने का जिक्र किया है, जिसे 5 न्याय गारंटी का नाम दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर, किसान पर फोकस किया हुआ है। इस मैनिफेस्टो का जो मोटो है वो युवा, महिला, मजदूर और किसान पर है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरीके के स्कीम का वादा किया गया है। पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम के फायदे आम जनता को दिलाने की बातें कही है। कांग्रेस पार्टी की 4 बड़ी अन्य घोषणाएं भी हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया गया है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाया जाएगा, दूसरा मतदान EVM के जरिए होंगे लेकिन VVPAT की पर्ची से मिलान किया जाएगा, तीसरा 10वीं अनुसूचित संशोधन का वादा किया गया, इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद खत्म कर दी जाएगी, ऐसा उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है, चौथा पुलिस और केंद्रीय एजेंसी सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी, हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडली की निगरानी में लाया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। अब आपको दोस्तों बता दूं कि कांग्रेस ने कहा है कि एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाया जाएगा, जारी की जाएगी। कांग्रेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थागत बनवाएगी और अग्निपथ योजना को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो 4 साल का अग्निपथ योजना है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं को वापस लौटा दिया जाएगा, जिस तरीके से सामान्य भर्ती होती थी। कांग्रेस सशस्त्र बलों में लड़ाकू और गैर लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सेवा और अवसरों को व्यवस्थित रूप से विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का कार्यकाल संसद की एक चयन समिति के निगरानी में लाया जाएगा। ये सब उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है। आगे कांग्रेस एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन करेगी, ये भी अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ऊर्जा
सतत बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों के निर्माण पर केंद्रित एक ग्रीन न्यू डील निवेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वायु प्रदूषण की समस्या से तत्काल निपटने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत करेगी। ऐसे तमाम चीजें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डाली गई है दोस्तों, लेकिन इस मैनिफेस्टो को किस तरीके से तोड़कर मरोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता झूठ पर झूठ फैला रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, जिसका आप सभी हर दिन कोई ना कोई नमूना देख ही रहे हैं कि किस तरीके से झूठ पर ये चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान काम नहीं आया तो फिर मुसलमानों को जो है आरक्षण देने की बात कर दी गई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठा साबित करने की कोशिश कर दी गई। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि इन तमाम कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप गूगल पर भी जाकर, पब्लिक डोमेन में भी जाकर पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बुजुर्गों को रेलवे रियायत देने का वादा किया है, कोरोना के बाद से केंद्र सरकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है। इस तरीके की चीजें भी ऐलान कांग्रेस मैनिफेस्टो में किया गया है, लेकिन इन तमाम बातों को छोड़कर मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी क्या लगी हुई है कि आपका दो कमरा, चार कमरे का घर है, दो कमरा छीन लिया जाएगा, आपके दो कार हैं तो एक कमरा कांग्रेस छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र, सोना जो भी है आपका छीन लिया जाएगा, सब पर कांग्रेस नजर रखेगी। लेकिन ऐसा इनके मैनिफेस्टो में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप इन मैनिफेस्टो का एक एक डिटेल पढ़कर बताएं, साथ में वीडियो भी दिखाएं कि कैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो क्या कह रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।